आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लखनऊ में पीएम मोदी 55,000 लोगों के साथ करेंगे योगासन। पीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री राजे खुद करेंगे शिरकत। करीब 45,000 लोग एक साथ करेंगे योग। योग दिवस पर अहमदाबाद में योग गुरु रामदेव ने संभाला मोर्चा। 5,00,000 लोगों के एक साथ योग करने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। राजस्थान रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज। एसएमएस स्टेडियम में प्रदेश के 500 से ज्यादा शटलर लेंगे हिस्सा। 1,00,000 रुपए की इनामी राशि दांव पर होगी। मॉनसून से पहले प्रदेश पर बरसी सुरेश प्रभु के मेहर। जयपुर जंक्शन पर सोलर प्लांट समेत कई सुविधाओं का किया आगाज। सीएम राजे ने विकास में मदद के लिए जताया आभार। सुरेश प्रभु ने पथरी पर दौड़ाई विकास की गाड़ी। सीकर की दो ट्रेनों का जयपुर से हुआ शुभारंभ। सरदार शहर रतनगढ़ ब्रॉडगेज ट्रैक का भी किया उद्घाटन। वसुंधरा सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम राजे ने खनन पट्टाधारियों को दी बड़ी राहत। खनिज विभाग ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 में किया संशोधन। डेड रेंट और लाइसेंस फीस चुकानी पड़ेगी आधी। खनन को मिलेगा विकास। आरसीए से बीसीसीआई अभी नहीं हटाएगा प्रतिबंध। राजस्थान क्रिकेट में ललित मोदी के रहते नहीं मिलेगी राहत। जवाबी पत्र में बीसीसीआई ने किया साफ। आरसीए ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई की तलाश रहा है विकल्प।